हैं लड़ाकू विमान। चीन पाकिस्तान को एक साथ जवाब दे रहा भारत। भारत ने आसमान में दिखाई अपनी ताकत। ऑपरेशन गगन शक्ति से कांप गए चीन पाकिस्तान। बीते तीन दशक में भारत पहली बार ऑपरेशन गगन शक्ति नाम से सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहा है। मकसद है एक साथ दो मोर्चों पर वायुसेना की ताकत को आंकना और इस युद्ध अभ्यास में भारत ने जिस कदर अपनी ताकत दिखाई है उससे चीन और पाकिस्तान आंख तरेरने तक की कोशिश नहीं करेंगे। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास गगन शक्ति 2018 पिछले एक सप्ताह से पश्चिमी क्षेत्र में जारी है। पैराशूट ब्रिगेड की बटालियन के साथ वायुसेना ने आकाश से दुश्मन की धरती पर निशाना साधने का अभ्यास किया। वहीं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित कलाईकुंडा एयरबेस से उड़े सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का दम दिखाया। इस दौरान लक्षद्वीप की उड़ान पर दो बार आकाश में ही सुखोई से सुखोई में ईंधन भरा गया। वायुसेना ने अपनी तैयारी और दमखम को दो हिस्सों में परखा है, पहला पश्चिमी सीमा में और दूसरा उत्तरी सीमा पर। पश्चिमी सीमा के लिए पाकिस्तान सरकार को पूर्व सूचना दी गई। इस चरण में भारतीय सेना पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दम दिखा चुकी है। दूसरे चरण में तिब्बत की ओर से चीन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अभ्यास हुआ। जैसलमेर में वायुसेना के विमानों ने विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाकर युद्धाभ्यास किया। गगन शक्ति 2018 युद्धाभ्यास में पहली दफा महिला फाइटर पायलट हिस्सा ले रही हैं। युद्धाभ्यास के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की पूरी स्क्वाड्रन ताकत दिखा रही है। वायुसेना ने 1100 एयरक्राफ्ट को उतारा है। 160 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स और 8 तेजस विमानों का इस्तेमाल हुआ है। 11 से 13 अप्रैल के दौरान विमानों ने 5000 उड़ानें भरी। इन विमानों ने आसमान में 6000 घंटे की उड़ान भरी है। करीब 80% फाइटर जेट्स ने सेवा की क्षमता के आधार पर शानदार परफॉर्मेंस दी। 8 से 22 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा गगन शक्ति अभ्यास। पश्चिम से पूर्वी मोर्चे पर शिफ्ट होने के लिए दिया गया है 2 दिन का समय। इस प्रैक्टिस में देश के 46 एयर बेसों का वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। 31 स्क्वाड्रन की मदद से वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। भारत के 31 स्क्वाड्रन के मुकाबले चीन के पास 7 और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं। बहरहाल भारत की इस ऑपरेशन गगन शक्ति पर चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाह है, क्योंकि लंबे अरसे से आंख तरेरने वाले चीन और आतंकियों की आरामगाह पाकिस्तान को भारत की शक्ति का अंदाजा अच्छे से है और ये युद्धाभ्यास दुश्मनों को चेतावनी देने के मकसद से ही किया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।